शीतकालीन सत्र समाप्त होने के बाद आरजेडी ने अपने तमाम विधानमंडल सदस्यों की बैठक बुलाई है। राबड़ी आवास के अंदर यह बैठक चल रही है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में इस बैठक का आगाज किया गया है। इस बैठक में आरजेडी के तमाम एमएलसी, तमाम एमएलए, तमाम उनके कोटे से आने वाले मंत्री उपस्थित हैं। आरजेडी की यह बैठक काफ़ी अहम मानी जाती है। हालांकि यह बैठक सदस्यता अभियान को लेकर चल रही है, लेकिन कई मुद्दे पर इस बैठक में बात हो सकती है। शराबबंदी को लेकर बात हो सकती है, क्योंकि बीते दिनों जिस तरह बिहार के सारण में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हो गई और उसके बाद विपक्ष लगातार मुआवजे की मांग उठा रहा है, सरकार को घेरने का काम कर रहा है, तो उस मुद्दे पर बात हो सकती है। बीते दिनों ही एक कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव एक साथ मौजूद थे। कार्यक्रम के बाद नीतीश कुमार ने मीडिया के बातों का जवाब देते हुए कहा था कि 2025 विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव नेतृत्व करेंगे। क्यों नहीं करेगा, यह बातें नीतीश कुमार ने कही थी। तो कहीं ना कहीं जो बातें महागठबंधन की सरकार बनने के बाद आए दिन बात निकलकर सामने आती रहती है कि तेजस्वी यादव आने वाले समय में बिहार के मुख्यमंत्री होंगे, नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पे देखा जा रहा है, उस बात पे कहीं ना कहीं मुहर लगती दिख रही है। जब नीतीश कुमार ही कह दिए कि 2025 विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव नेतृत्व करेंगे, आखिर क्यों नहीं करेगा तेजस्वी यादव नेतृत्व, ये कहना था नीतीश कुमार का। जो बातें निकलकर आ रही है संगठन की, यानी आरजेडी के कार्यकर्ता लगातार ये कहते रहते हैं कि अगले सीएम तेजस्वी यादव हैं। जदयू के कार्यकर्ता यह कहते रहते हैं, जदयू के नेता यह कहते रहते हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं आगामी लोकसभा चुनाव में। तो कहीं ना कहीं इन तमाम मसलों पर अंदर चर्चा हो रही होगी कि जो तेजस्वी यादव हैं, जो भी डिप्टी सीएम हैं, वो आने वाले समय में, आने वाले विधानसभा चुनाव में बिहार का नेतृत्व करेंगे, बिहार के सीएम बनेंगे। हालांकि यह बैठक जो बुलाई गई है वो सदस्यता अभियान को लेकर बुलाई गई है। बीते दिनों आरजेडी के तमाम विधायकों को यह कहा गया था कि अपने अपने क्षेत्र में सदस्यता अभियान चलाएं, इसीलिए बैठक भी बुलाई गई कि सदस्यता अभियान को सुचारू रूप से आगे किया जाए, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव होना है, 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होना है और इस चुनाव की तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी है। क्योंकि महागठबंधन की नई सरकार जब से बिहार में बनी है उस वक्त से बीजेपी लगातार सरकार पर हावी है, छोटी छोटी गलतियों को पकड़ने का काम करती है। बीते दिनों जो शीतकालीन सत्र संपन्न हुआ बिहार विधानमंडल में, उसमें भी बीजेपी ने जोरदार हंगामा किया, कई दफ़ा इस सत्र को रोकना पड़ा था और इस सत्र के बाद पहली बार बिहार विधानमंडल की बैठक बुलाई गई है। आरजेडी कोटे के तमाम जो सदस्य बिहार विधानमंडल में हैं उनकी बैठक बुलाई गई है राबड़ी आवास पर। मैंने पहले भी कहा था कि विधायक दल की बैठक हो रही है सरकार के कार्यों को सरजमीन पर उतारने के लिए, लोगों को बताने के लिए और पार्टी की मजबूती, संगठन को मजबूत करने के लिए चर्चा हुई है और हर विधायक, मंत्री सबको जिम्मेवारी मिली है कि पार्टी को निचले स्तर तक पहुंचाया जाए और इसीलिए बैठक बुलाई गई। कैबिनेट अभियान की बात जो हो रही है, कितने सदस्य जुटाने के लक्ष्य रखा आप लोगों ने? एक करोड़ से ज्यादा। सर ये बताइए, कैबिनेट एक्सपेंशन को लेकर भी कोई चर्चा हुई? अरे नहीं भाई, इसकी चर्चा नहीं हुई है, इसकी चर्चा नहीं हुई है, संगठन को मजबूत करने के लिए चर्चा हुई है और सरकार के नीतियों को जनता तक पहुंचाने के लिए हर आदमी को जिम्मेवारी लेना। निश्चित रूप से बीजेपी कह रही है। अरे बीजेपी तो कुछ भी कर सकती है, वो जुमला पार्टी है, जुमला पार्टी कुछ भी कर सकती है, इसलिए हम लोग अपने नीतियों को गांव तक, घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। विधायक जो है वो ये भी थोड़ी नाराजगी जताए कि अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। नहीं, कोई विधायक इस तरह की बात नहीं बोला है और धीरे धीरे सरकार बनी है, सारे लोग सुधर रहे हैं और निश्चित रूप से सबकी बात सुनी जाएगी और सुन रहे हैं लोग। एक रूटीन बैठक थी जो माननीय विधायकों की, विधायक दल की बैठक थी और उसमें सारे माननीय विधायक लगभग शामिल हुए। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं।
घर वापसी की खुशी। पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।